Assalamu alaikum. Today our topic is oxidation number or oxidation state. Oxidation state ko hum log kaise define kar sakte hain? Oxidation state is the apparent charge, positive or negative, which an atom would have in a molecule or ion. Oxidation number hamein kisi bhi atom ke character ke baare mein batata hai. Jaise ki unhone kaha hai ki positive charge bhi ho sakte hain aur negative charge bhi ho sakte hain. नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन. ऑक्सीडेशन स्टेट को हम लोग कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ डिफरेंट फ्रॉम वैलेंसी बिकॉज वैलेंसी इज़ ओनली अ नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट इंडिकेट द पॉजिटिव और नेगेटिव करेक्टर ऑफ द एटम. ऑक्सीडेशन स्टेट वैलेंसी से कैसे डिफरेंस है? वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी में सिर्फ नंबर होते हैं, मीन्स पॉजिटिव वन, पॉजिटिव टू, पॉजिटिव थ्री. और ऑक्सीडेशन स्टेट में हमें किसी भी एटम के जो करेक्टर्स होते हैं, आया कि एटम पे पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट में हमें एटम्स के करेक्टर्स के बारे में पता चलता है. नेक्स्ट, रूल्स फॉर असाइनिंग दी ऑक्सीडेशन नंबर कि हम लोग कौन से रूल यूज़ कर सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर को जब हम लोग असाइन करते हैं. तो फर्स्ट रूल में आ जाएगा द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ फ्री एलिमेंट इज़ ज़ीरो. फ्री एलिमेंट जो भी ऑक्सीडेशन नंबर फ्री एलिमेंट का क्या होगा? ज़ीरो होगा. एग्जांपल यहाँ हम लोग ले सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड मैग्नीज इज़ ज़ीरो. तो उन्होंने कहा है कि जो ऑक्सीडेशन नंबर है फ्री एलिमेंट का वो ऑलवेज़ क्या होगा? ज़ीरो. क्यों ज़ीरो होगा ऑक्सीडेशन नंबर? क्योंकि जब हम फ्री एलिमेंट्स, उन्होंने कहा फ्री एलिमेंट्स का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या होगा? ज़ीरो. तो फ्री एलिमेंट्स को हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि फ्री एलिमेंट्स इज़ अ chemical elements that is not chemically combined with other elements and exist free in nature. Means कि अब जैसे कि एग्जाम्पल में उन्होंने बताया है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं? फ्रीली एग्जिस्ट कर रहे हैं, इनके साथ और कोई भी कंपाउंड केमिकली कंबाइन नहीं है. तो जब भी हम लोग फ्री एलिमेंट्स लेंगे तो उनकी ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होगी? ज़ीरो होगी. नेक्स्ट रूल, रूल नंबर टू, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन इट्स कंपाउंड इज पॉजिटिव वन. जब भी हम लोग हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर लेंगे उसके कंपाउंड्स में तो वो ऑलवेज क्या होगी? पॉजिटिव वन. बट इन मेटल हाइड्राइड्स इट इज़ नेगेटिव वन. लेकिन ये जो मेटल हाइड्राइड्स हैं, जैसे कि उन्होंने लिया है सोडियम, एग्जाम्पल में बताया गया है कि सोडियम हाइड्राइड एंड मैग्नीशियम हाइड्राइड, तो जब हम लोग मेटल हाइड्राइड्स लेंगे तो उसमें उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? पॉजिटिव वन. लेकिन जब हाइड्रोजन अपने कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करेगा तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? पॉजिटिव वन. क्यों हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव वन है? क्योंकि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? पॉजिटिव वन. और हाइड्रोजन के पास कैपेसिटी होती है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं? ओनली वन इलेक्ट्रॉन लॉस. नेक्स्ट, the oxidation number of third rule is oxidation number of halogen group in the binary compound is negative वन. जब भी हम लोग हेलोजन लेंगे, हेलोजन में जब सेवन ग्रुप एलिमेंट में कौन कौन से आते हैं हमारे पास? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन. तो इन कंपाउंड्स में जब भी हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर लेंगे तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? नेगेटिव वन. तो जब हम लोग अलजेब्रिक सम लेते हैं, नेक्स्ट रूल है द अलजेब्रिक सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज़ ज़ीरो. जब हम लोग अलजेब्रिक सम लेंगे तमाम एटम्स का मॉलिक्यूल में तो वो भी क्या होगा? ज़ीरो होगा. नेक्स्ट रूल है व्हेन एन एटम इज़ ऑक्सीडाइज इस ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेज. जब भी हम लोग एटम्स लेंगे, जब हम उन्हें ऑक्सीडाइज करते हैं तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? इंक्रीज होता है. और जब भी हम एटम्स रिड्यूस होंगे तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा. जब ऑक्सीडाइज हो रहे हैं तो उनके ऑक्सीडेशन नंबर क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि ऑक्सीडेशन को हम लोगों ने डिफाइन किया था कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. और एग्जाम्पल हम लोगों ने इसमें दी थी कि जब भी हम लोग सल्फ़र डाइऑक्साइड को रिएक्ट करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ तो हमारे पास क्या कंपाउंड बनेगा? सल्फ़र ट्राईऑक्साइड. सल्फ़र, क्योंकि सल्फ़र डाइऑक्साइड क्यों ऑक्सीडाइज हुआ है सल्फ़र ट्राईऑक्साइड में? क्योंकि उसने ऑक्सीजन को गेन किया है.
अब जैसे कि हम लोगों ने एग्जांपल लिया, व्हेन एन एटम इज़ रिड्यूस इट्स ऑक्सीडेशन नंबर इज़ डिक्रीज, तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा। रिडक्शन को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि रिडक्शन में क्या होगा, रिमूवल रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। नेक्स्ट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1, 2 and 3 इन द कंपाउंड इज +1, +2 and +3 रिस्पेक्टिवली, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप में ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या होगी +1, ग्रुप 2 में क्या होगी +2 और ग्रुप 3 में क्या होगी +3।